शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। आज मारुति, आपकी माता महारानी जी आपके लिए चिंतित होंगी। चक्रासुर लौट गया है, चलिए हम आपको राजभवन पहुंचा देते हैं। युवराज मारुति, आप हम सबके लिए इतनी रात्रि में यहां आए, आपने धवल मुख के प्राण बचाए, स्वयं को संकट में डाला, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। अब आप राजभवन लौट चलिए, यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो उसका भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं मुखिया जी, चक्रासुर का भय अभी भी बना हुआ है। जब तक आप सभी चक्रासुर के भय से मुक्त नहीं हो जाते, मारुति आप सबको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तो क्या चक्रासुर की मृत्यु संभव है? हाँ, वो भी तुम्हारे द्वारा। इसके द्वारा? ये कैसे हो सकता है? पहेलियां मत बुझाइए युवराज, इतने भयानक असुर की मृत्यु वो भी एक साधारण बालक के द्वारा, ये कैसे संभव है? मात्र यही नहीं, आप भी उसे मार सकते हैं। आप भी और आप भी। मैं भी? हाँ मुखिया जी, आप भी उसे समाप्त कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है, चक्रासुर से भी अधिक। यदि हम सब मिलकर एक हो गए तो चक्रासुर का अंत भी कर सकते हैं। चक्रासुर बहुत शक्तिशाली है और माया भी है, किंतु उसकी एक दुर्बलता भी है। आप सबने देखा था इस एक डमरू के नाद से चक्रासुर कितना विचलित हो उठा था। ये डमरू की ध्वनि बंद करो ये ध्वनि। भागने के लिए विवश हो गया था। यदि अनेकों डमरू एक साथ बजाए जाएं, तो उनकी सम्मिलित ध्वनि से चक्रासुर शक्तिहीन हो जाएगा, फिर उसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं। हम्म,
कब तक यूं ही भयभीत होकर जिएंगे? माँ ने कहा था कि भय दुर्बलता उत्पन्न करता है और भय पर जिसने विजय पाली, विजय उसी की होती है। युवराज, आप बहुत छोटे हैं, आप नहीं समझेंगे। बात भय की नहीं है, मात्र इतनी सी है कि अपने से बलशाली पर वार करना स्वयं को संकट में डालना है। संकट का सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं मुखिया जी। युवराज उचित कह रहे हैं, कब तक हम इस प्रकार चक्रासुर से भागते रहेंगे? हमें चक्रासुर का सामना करना होगा संपूर्ण शक्ति और बल के साथ। मैं युवराज के साथ हूँ। मैं भी युवराज के साथ हूँ। देवेश्वर, विडंबना देखिए, माता और पुत्र दोनों इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दोनों ही अपने अपने स्तर से चक्रासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए हैं, जबकि दोनों के कार्य का उद्देश्य एक ही है, चक्रासुर के आतंक से मुक्ति। कैसी विचित्र क्रीड़ा है ये नियति। देवी, सूर्य और दीपक में दोनों में अग्नि व्यापत है, दोनों का कार्य एक ही है, प्रकाशित करना। इसी प्रकार मारुति और अंजना, वो भी एक ही कार्य कर रहे हैं। मारुति ने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अंजना ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। दोनों को ये भी ज्ञात है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। किंतु स्वामी, उन सब निर्दोष मनुष्यों को इतना कष्ट क्यों? देवी, सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यदि बिना कोई संघर्ष करे, बिना कष्ट उठाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मनुष्य स्वार्थ और आलस्य का दास हो जाता है। उसे जीवन के मूल्यों का ज्ञान ही नहीं हो पाता। मनुष्य सारा जीवन इसी संघर्ष में बिता देता है कि उसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो। संघर्ष की महिमा ऐसी ही है। मारुति भी एकता की शक्ति से चक्रासुर के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सबको जोड़ रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए। युवराज, हम सब आपके साथ हैं, किंतु हमारे पास सिर्फ एक ही डमरू है, अन्य डमरू नष्ट हो चुके हैं। तो फिर आप सब और डमरू तो बना सकते हैं ना? बना तो सकते हैं युवराज, किंतु हमारे पास सामग्री नहीं है। कुछ चर्म और कुछ रस्सियां हैं, लकड़ियां नहीं हैं। और लकड़ी के बिना तो डमरू बन ही नहीं सकते। और युवराज, आसपास भी ऐसे कोई वृक्ष नहीं बचे हैं जिनसे हम डमरू बना सकें। चक्रासुर ने सब उजाड़ दिया, किंतु मैंने एक स्थान देखा है जो अब भी सुरक्षित है। गांव से आते हुए हमने जिस नदी को पार किया था, वहां के आसपास के वन सुरक्षित हैं। कदाचित चक्रासुर अब तक वहां नहीं पहुंचा होगा। हम वहां जाकर डमरू तैयार कर सकते हैं। अब विलंब कैसा? शुभ से शीघ्रम। रुक जाइए। वहां जाने से समय व्यर्थ होगा। आप लोग यहीं बैठकर अपना कार्य आरंभ कीजिए। लकड़ियों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप जैसा कहें युवराज, हम अभी कार्य आरंभ कर देते हैं। किंतु स्मरण रहे, सबको मिलकर एक साथ कार्य करना है। जितना शीघ्र हो सके हमें अधिक से अधिक डमरुओं का निर्माण करना है। असंभव। चक्रासुर के चक्रवात में फंसने के बाद भी
वो वानर बालक बाहर निकल गया। असंभव है ये, मुझे भी वहां से भागना पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी दुर्बलता भाग गया हो, कि डमरू की नाद मुझे विचलित कर देती है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत चतुर है वो वानर बालक, एवं शक्तिशाली भी है वो। उसने तो वृक्षासुर को वृक्षासुर नहीं हूं मैं, एक वानर बालक से परास्त हो जाऊं। यदि वो मेरे सामने फिर से आ गया तो समाप्त कर दूंगा उसे। अच्छा, वो देव भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे जिनकी शक्ति उसके पीछे कार्य कर रही है। क्या हुआ चक्रासुर, क्या सोच रहे हो? लगता है मेरे भीतर की शक्तियां कम हो रही हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो अपने भीतर समेटना ही होगा। उस नदी में जल भी है और उसके आसपास वृक्ष भी है। इतने भयानक चक्रासुर को भी चक्कर में डाल दिया इस छोटे से वानर बालक ने। दिखने में तो वो वानर बालक मेरे देह के ही समान है, पर इतने बड़े बड़े कार्य। इसकी भूख तो शांति नहीं हो रही है। कहीं ये मुझे भी ना निगल ले। चल चला अतिबल, शीघ्र यहां से निकल। इस मायावी बालक के पीछे किस देवता का हाथ है, ये सूचना भी तो मुझे लंकेश रावण तक पहुंचानी है। मुझे यहाँ रुकना ही होगा। ये तो इस नदी का सारा जल पी जाएगा। अरे, ये तो नदी का सारा जल पी गया। नदी का सारा जल पीने के पश्चात ये सारे वृक्षों को निगल गया, तो डमरू बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? क्या करूं? चक्रासुर, चक्रासुर, तुम तो बड़े मायावी और भयानक असुर हो ना, फिर क्यों भाग निकले थे वहां से? तो फिर आ गया वानर बालक, किंतु इस बार तू चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा,
तो बस चल बसा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ये तो चक्रासुर को भी ललकार रहा है। ये वानर बालक तो पुनः लुप्त हो गया। अब तो मुझे ही इसे ढूंढना होगा। अब मैं जाकर लकड़ियां ले सकता हूँ। ये युवराज कहाँ रह गए? समय बीतता जा रहा। आ जाएंगे युवराज, लकड़ियां चुनने में समय लगता है। युवराज, युवराज, हमारे युवराज, ये रही लकड़ियां। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय कम है हमारे पास। युवराज, डमरू तो लगभग बन ही गए हैं, आगे की क्या योजना है? हम चक्रासुर पर इनसे कैसे प्रहार करेंगे? अब हमें इस रक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो चक्रासुर के लिए बहुत ही घातक है। शीघ्र बताना होगा चक्रासुर को। अब तुम नहीं बच सकते चक्रासुर। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.